सब्सक्राइब कीजिए जीके फैक्ट चैनल को और बेल आइकॉन दबाए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है जिसका हम लोग सिर्फ कुछ ही प्रतिशत तक एक्सप्लोर कर पाए हैं। आज हम लोग इस ब्रह्मांड के कुछ जाने अनजाने 25 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धरती छोड़कर सिर्फ चांद ही ऐसा जगह है जहां अभी तक इंसानों ने अपना कदम रखा है। चांद में कोई आभा मंडल नहीं है जिसके कारण नील एम्स्ट्रॉन्ग का रखा हुआ वो फुटस्टेप अभी भी वैसा ही है जैसा उस दिन था। चांद छोड़कर और भी 8000 से भी ज़्यादा पदार्थ हमारे धरती को चक्कर काट रही है। इसमें ज़्यादातर स्पेस जंक है और लगभग 2500 सैटेलाइट है। सूर्य हमारे गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र से 26000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये आकाशगंगा को प्रदक्षिण कर रहा है और हर एक चक्कर लगाने के लिए इसे 25 करोड़ साल लगता है। सैटर्न यानी शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि अगर इसको कोई विशाल महासागर में फेंक दिया जाए तो ये बास्केटबॉल की तरह तैरने लगेगी। आपको मालूम है कि पूर्णिमा के रात में चांद का रोशनी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है इस रोशनी के कारण धरती का तापमान 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है। लगभग सारे गैलेक्सी के सेंटर पे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारे आकाशगंगा का सेंटर में भी है। इसका नाम है सेजिटोरियस ए। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह का एक दिन का लंबाई हमारे पृथ्वी का लगभग 59 दिन का बराबर होता है। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का कोई केंद्र या कोई किनारा नहीं है। ये टाइम स्पेस का एक सीमाहीन मुड़ा हुआ सतह है। रात के आसमान में देखा हुआ हर एक सितारा अपना स्थान में वापस आने के लिए 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड का समय लेता है। इसे स्टार डे बोला जाता है। एस्ट्रोनॉट्स ने अभी तक कई बार चांद पे गए हैं और चांद से लगभग 380 किलो सैंपल कलेक्ट करके धरती पे लाए हैं तरह तरह की एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर आप कभी स्पेसशिप लेके जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पर चले गए तो वहाँ आपको स्पेसशिप लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगा क्योंकि बृहस्पति पर कोई ज़मीन नहीं है। एक पावरफुल टेलीस्कोप से हम लोग लगभग 2 बिलियन लाइट ईयर्स तक की दूरी देख सकते हैं। अगर 2 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी से कोई हमें देख रहा है तो हमें 2 बिलियन साल पीछे का नज़ारा वो देख पाएगा। अगर प्रोक्सिमा सेंटराई से कोई हमें देख रहा है तो 4 साल पीछे भी देख सकता है और शायद सुशांत सिंह राजपूत को अभी वो जिंदा देख सकता है। पल्सर यानी न्यूट्रॉन स्टार अपने एक्सिस में सबसे तेज स्पिन करता है, 1 सेकेंड में लगभग 500 बार। कोई भी बाइनरी स्टार सिस्टम का दोनों सितारा एक दूसरे को ऐसे प्रदक्षिण करता है कि देखने वाला को लगेगा कि बैले डांस हो रहा है। हमारे सूर्य एक मीडियम साइज का योलो डार्क तारा है। इसका उम्र 5 मिलियन साल है और ये आगे और 5 मिलियन साल तक टिकेगा। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ठंडा जगह है नेपच्यून का चंद्रमा ट्राइटन। इसका सतह का तापमान -236 डिग्री सेल्सियस है। चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के मुकाबले सिर्फ 17% है, इसीलिए चांद में एस्ट्रोनॉट्स 4 मीटर ऊंचा छलांग लगा सकते हैं। पल्सर यानी न्यूट्रॉन स्टार का डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि ये एक टेबल स्पून पल्सर का मास 10 बिलियन मेट्रिक टन तक हो सकता है। फ्रैंक ड्रेक अपने ड्रेक इक्वेशन के माध्यम से ये बोले हैं कि हमारे गैलेक्सी में बुद्धिमान प्राणियों की संख्या 1 मिलियन तक हो सकती है। शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन के बारे में तो आप सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है ये टाइटन बुध ग्रह से ज़्यादा बड़ा है। पहला स्पेस में जाने वाला जीव कोई इंसान नहीं था, वो था एक डॉगी। उसका नाम था लाइका। 1957 में लाइका को रसिया ने स्पुटनिक 2 में चढ़ा के स्पेस में भेजा था। वो वापस ही नहीं आया
ऑक्सीजन की कमी के कारण स्पेस में ही उसकी मृत्यु हो गई। वल्कान नामक एक प्लेनेट का नाम आप शायद सुने होंगे। बहुत सालों से खगोल विशेषज्ञ इसके अस्तित्व को लेकर कल्पना कर रहे हैं। शायद ये बुध और सूर्य के बीच में स्थित है। अगर आप बुध ग्रह की सतह में खड़े होकर सूरज की तरफ देखेंगे तो सूर्य धरती से देखा गया सूर्य के मुकाबले 2.5 गुना बड़ा दिखेगा। पूरे सौर जगत में सबसे ठोस ग्रह अपना धरती ही है। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट पहन के जाते हैं। ये स्पेस सूट का कीमत $11 मिलियन होता है और उसमें से 70% कीमत खाली उसका कंट्रोल मॉड्यूल का ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।